हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आसाम राइफल मैन जो हवलदार क्लर्क के लिए रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके जो फॉर्म भरे जाएंगे उसमें हवलदार क्लर्क के लिए सर्टिफिकेट में क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए। चलिए हम बिना टाइम गवाए आपको बताते हैं कि कैसा सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्या चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक बच्चे ने मुझे इस सर्टिफिकेट को सेंड किया है, उसका मैं दिल से थैंक यू बोलूँगा। चलिए जान लेते हैं सर्टिफिकेट के बारे में। सर्टिफिकेट जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गुरुकुल टेक्निकल इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट है और ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा होता है और आप पढ़ सकते हैं इसको सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। यहाँ पर अगर आपको सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एडवांस कोर्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये पॉइंट समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स, बेसिक, MS-DOS, MS-Office, टाइपिंग, इंटरनेट। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आसाम राइफल मैन में टाइपिंग सर्टिफिकेट चाहिए, देख लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि टाइपिंग, इंटरनेट, ऑफिस, MS-DOS, बेसिक, फंडामेंटल, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं और ये 6 मंथ का डिप्लोमा कोर्स है उसका। चलिए अब आपको हम नीचे की ओर ले चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर कोने में सीरियल नंबर लिखा हुआ है, उसको गुरुकुल टेक्निकल इंस्टीट्यूट का है। यह प्रोफिशियंस मार्कशीट है उसकी। यहाँ पर नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर्स नेम, कोर्स नेम, एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है और आप देख सकते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल में उसने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, बेसिक में उन्होंने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, MS-DOS में कितने नंबर प्राप्त किए हैं, MS-Office में कितने नंबर प्राप्त किए हैं, टाइपिंग में कितने नंबर प्राप्त किए हैं, इंटरनेट में कितने नंबर प्राप्त किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल नंबर 900 नंबर का होता है यह, और 685 नंबर इस लड़के ने इसमें प्राप्त किए हैं। आप देख सकते हैं नीचे मार्क ऑप्टेंड 685, ग्रेड A+ है। तो इस सर्टिफिकेट में इस देखने को बाद हमें यह मिलती है कि इसमें आप देख सकते हैं चौथे नंबर पर जो टाइपिंग है, ये इसका मेंशन होना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि सर्टिफिकेट में टाइपिंग मेंशन नहीं की हुई है तो वो सर्टिफिकेट इसमें नहीं चलेगा। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि आसाम राइफल मैन में जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है इसमें क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए और क्या चीज़ें मेंशन नहीं होनी चाहिए। इसमें टाइपिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो 2021 से ऐसा हो जाता था कि कंप्यूटर फंडामेंटल बेसिक चीज़ें के बारे में भी चल जाता था, MS-DOS, MS-Office, इंटरनेट के बारे में कोई सर्टिफिकेट बना हो तो उसके बारे में भी यह चल जाता था। लेकिन नियमों के अनुसार पता चलता है कि
अब की बार टाइपिंग का होना मेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई गई होगी, और इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही करते हैं।